दोस्तों रणबीर कपूर बॉबी देओल स्टारर एनिमल का जो क्रेज है वो फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म को ऑडियंस का इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि जब एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने मान लिया था कि फिल्म रिलीज होते ही ताबड़तोड़ कमाई करेगी। अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो एनिमल जवान और गदर का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनिमल के 3 दिन की कमाई की बात करें तो फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। तमाम तरह की आलोचनाओं और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बावजूद रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल स्टारर एनिमल रिलीज के 3rd दिन शानदार कमाई करने में कामयाब रही। फिल्म ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग ली। रिलीज के 2rd दिन हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और अब 3rd दिन यानी कि संडे को फिल्म का धमाल जारी रहा। फिल्म एनिमल रिलीज के 3rd दिन ही 200 करोड़ कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है। इससे पहले ये कमाल सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म जवान ने किया था। हालांकि एनिमल के रिलीज होने के बाद जहां फैंस ने इसे काफी पसंद किया तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव तरह का रिएक्शन भी दिया। कहा जा रहा था कि ये फिल्म बहुत ही नेगेटिव इमोशंस ऑडियंस के मन में जगाती है, यहां तक कि इस फिल्म को सिनेमा को खराब करने वाली फिल्म तक बता डाला। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म देखने के बाद जो रिएक्शन सामने आए उसमें तो रणबीर कपूर और बॉबी देओल की जमकर तारीफें की गई। फ्राइडे को रिलीज हुई एनिमल ने संडे के दिन ताबड़तोड़ कमाई की। इसके साथ ही ये जो फिल्म है एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि फिल्म और अच्छा बिजनेस कर सकती है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।